आज की वीडियो में आपको काजोल देवगन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेमस एक्ट्रेस काजोल देवगन की एक लुक देखने के लिए उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट करते रहते हैं, और काजोल देवगन जब भी कोई अपनी पिक्चर पोस्ट करती हैं उस पर उनको ढेरों कमेंट्स और ढेरों लाइक्स मिलते हैं, और फैंस उस पिक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी काजोल ने अपनी एक पिक्चर पोस्ट की और उस पिक्चर के नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, ओ डियर वॉज दैट यू दैट हैज स्मैश्ड इनटू एंड ड्रव माय कार। काजोल देवगन की यह पिक्चर आते ही जहां फैंस उन पर ढेरों प्यार बरसाने लगे, वहीं कुछ फैंस ऐसे भी थे जिन्हें उनकी ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो काजोल देवगन को काफी बुरी तरह ट्रोल भी करने लगे। कुछ नेटिजन्स का कहना था कि काजोल देवगन अब काफी ज्यादा एजिड दिखने लगी हैं और उन्हें डायरेक्टली बुड्ढी कहा जा रहा है। उनका कहना था कि काजोल देवगन बुड्ढी दिख रही हैं और अब उन्हें इस तरह का फैशन और इस तरह का मेकअप नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि उनकी स्किन अब खराब हो चुकी है और उनकी स्किन पर झुर्रियां और वो बुड्ढी दिखने लगी हैं। और कुछ नेटिजन्स का तो ये भी कहना था कि उन्हें अब इस तरह से अपने आप को शो नहीं करना चाहिए। ऑल्दो हम इस सब से बिल्कुल भी सहमत नहीं करते हैं, और काजोल देवगन आज भी बहुत ही ग्रेसफुल दिखाई दे रही हैं और उनकी ये लुक बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखा जाए तो काजोल देवगन ने इस लुक में बिल्कुल भी नो मेकअप कर रखा है और सिर्फ उन्होंने रेड लिपस्टिक लगा रखी है, और इससे दिखाई देता है कि उनकी स्किन आज भी कितनी ज्यादा फ्लॉलेस है। इतनी फ्लॉलेस स्किन होने के बावजूद भी लोग उन्हें इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम आशा करते हैं कि लोग सबक सीखें और इस तरह से किसी को भी ट्रोल ना किया जाए। क्या आपको काजोल देवगन की ये लुक कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।